Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study the topic punctuation. Punctuate the following sentences. इसका मीनिंग होता है पंक्चुएट मीन्स विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए द फॉलोइंग सेंटेंसेस निम्नलिखित वाक्यों में. निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए. तो विराम चिन्ह क्या होते हैं? कॉमा, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमाज, लेटर को कैपिटल बनाकर लिखना. ठीक है, तो इसमें अधिकतर डायरेक्ट स्पीच होती है और एक सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है. सर्वप्रथम सेंटेंस को पढ़कर देखते हैं. बिना पढ़े हम उसमें कोई पंक्चुएशन या विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे. देखिए, पहले पढ़ते हैं सेंटेंस नंबर वन. इसमें हम आपको पहले तो आपको चार पांच सेंटेंस करा रहे हैं, उसके बाद आपको 8 साल के पेपर में क्वेश्चन पेपर में आए हुए सेंटेंस को हम पंक्चुएट करेंगे. तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें. गो सेड नेहा एंड फाइंड आउट हु वाज नॉकिंग एट द डोर. हम देखते हैं इसमें गो लिखा हुआ है. ठीक है, उसके बाद सैड नेहा. तो सैड जैसी वर्ब अधिकतर डायरेक्ट स्पीच में आती हैं और इसमें अधिकतर डायरेक्ट स्पीच ही आती है जिसमें सर्वाधिक विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है. तो गो शुरू में आ रहा है, ठीक है, और फिर सैड नेहा है. तो गो सैड तो नहीं हो सकता. सैड का प्रयोग वर्ब के साथ सब्जेक्ट का आना जरूरी है. ये उल्टा लिखा हुआ है तो पंक्चुएशन में यदि डायरेक्ट स्पीच उल्टी लिखी हुई है तो हम उसे उल्टा ही पंक्चुएट करेंगे, सीधा नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसको करेंगे हम सबसे पहले यहाँ इन्वर्टेड कॉमाज लगेगा. ठीक है, गो जब इन्वर्टेड कॉमाज लगा करके हम लिखते हैं तो पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल बनता है गो. ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए हम इन्वर्टेड कॉमा लगा रहे हैं तो यहाँ पर कॉमा लगेगा गो. ठीक है, इस प्रकार से सैड नेहा. एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक गो एंड फाइंड आउट हु वाज नॉकिंग एट द डोर, ये पूरा एक इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर आई हुई रिपोर्टेड स्पीच है. उसको दो भागों में कर दिया, केवल गो पहले लिखा और बीच में रिपोर्टिंग स्पीच दे दी गई है. तो हम इसको वैसे ही लिखेंगे जैसा है. तो इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन गो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज, सेड का एस छोटा बनेगा. यदि आपने इसको ध्यानपूर्वक देख लिया तो आपका पेपर में इनको पंक्चुएट करना बहुत ही आसान हो जाएगा. नेहा, नेहा क्या है? प्रॉपर नाउन है. तो प्रॉपर नाउन कहीं भी आता है कैपिटल लिखा जाता है नेहा. ठीक है, अब ये एंड आ रहा है तो ये जो है इस गो के बाद आना था लेकिन बाद में दिया है तो यहाँ कॉमा लगा देंगे. फिर से इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन करेंगे और ये जो एंड है ये स्मॉल ही लिखा जाएगा एंड. फाइंड आउट, अब ये जो हु वाज है ये इसी इंपरेटिव सेंटेंस में जुड़ा हुआ है. फाइंड आउट हु वाज नॉकिंग एट द डोर, फुल स्टॉप. क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत यहां से है, थोड़ा सा पार्ट यहां है, फिर ये यहां पर शुरू हुआ है एंड से, और एक क्वेश्चन वर्ड जो आ रहा है इसके बीच में है तो यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, फुल स्टॉप ही लगेगा और यहां पर हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा. जहां काम करेंगे हमारे इसके 2 मार्क्स होंगे. नेक्स्ट देखते हैं. माई मदर शाउटेड गेट दोज स्नेक्स
एंड फ्रॉक्स आउट ऑफ माई किचन। तो यहां पर देखिए ये भी डायरेक्ट स्पीच है, मदर शाउटेड, यहां डायरेक्ट स्पीच सीधी लिखी हुई है तो सेड के स्थान पर शाउटेड है। यदि हमने इनको स्टडी कर लिया तो स्टूडेंट्स निश्चित रूप से आपका पेपर में काम करना आसान हो जाएगा। तो ये होगा माई मदर शाउटेड, इतना इन ये इतना रिपोर्टिंग स्पीच है और इसके आगे ये रिपोर्टेड है, तो यहां हम माई को कैपिटल बनाएंगे, माई मदर शाउटेड, यहां कॉमा लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन हो जाएगा। अब क्या है, गेट जी कैपिटल बनेगा। हमारे क्वेश्चन पेपर के आंसर में जब हम आंसर शीट में लिखते हैं तो हमारा राइटिंग भी साफ होना चाहिए। गेट दोज स्नैक्स एंड फ्रॉग्स आउट ऑफ माई किचन। यहां फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है और ये इन्वर्टेड कॉमा है। थर्ड, द टीचर सेड यू विल फाइंड दिस बुक इन द लाइब्रेरी। द टीचर सेड, सेड के बाद टू नहीं आ रहा तो इसका मीनिंग यहां पर है कि यहीं पर कॉमा लगेगा, तो जगह दी टीचर सेड, यहां कॉमा लगा देंगे, यू यहां पोस्ट ऑफिस का चिन्ह लगाएंगे और ये हम यू विल फाइंड दिस बुक इन द लाइब्रेरी, फुल स्टॉप लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। I am confident, said the candidate, that I will win this election. अब यहां पर देखिए I am confident, इतना भाग अलग है, said the candidate, कैंडिडेट ने कहा, तो इसमें I am confident इतना पार्ट एक जगह है जो अलग कर दिया गया है, पहले आ गया है that I will win this election, ये दूसरा पार्ट है इसका यहां से जुड़ने के लिए। यहां पर इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसका आधा भाग पहले और आधा बाद में दे दिया और बीच में रिपोर्टिंग स्पीच है, तो इसको हम ऐसे ही पंक्चुएट करेंगे क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में सबसे अधिक पंक्चुएशन होती है। तो इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन करेंगे, यहाँ पर एक कैपिटल आई बनाएंगे, आई एम कॉन्फिडेंट, यहां कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज, सेड द कैंडिडेट फिर यहां कॉमा लगा देंगे और जब इसको लिखेंगे तो यहां हम इन्वर्टेड कॉमाज लगाएंगे और ये दैट स्मॉल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये दैट से जो आगे हमारा पार्ट आ रहा है ये यहाँ के बाद का है, तो आधा पहले लिख दिया आधा बाद में लिख रहे हैं तो ये स्मॉल से बनेगा। दैट आई, आई कैपिटल बनेगा, आई सब्जेक्ट के रूप में जहाँ भी आता है शुरू में आए बीच में आए एंड माय कैपिटल ही बनता है। आई विल विन दिस इलेक्शन,
फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमास किलो आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन, ये पेपर सेट के हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं, गंगा इज ए हॉली रिवर, इट इज वर्शिप्ड लाइक ए मदर, कन्नौज अलाहाबाद एंड वाराणसी आर सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस को पढ़ करके हम ये पता लगाते हैं कि सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का है या केवल सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें पढ़ने से लगता है कि इसमें कहीं भी सैड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस है और इसमें तीन सेंटेंस हैं। गंगा नदी का नाम है, कैपिटल से लिखा जाता है। गंगा इज ए होली रिवर, यहां तक ये सेंटेंस पूरा हो गया। इट इज वर्शिप्ड लाइक ए मदर, ये दूसरा सेंटेंस है, तो यहां आई कैपिटल बनेगा। इट इज वर्शिप्ड लाइक ए मदर, फुल स्टॉप कर देंगे। तीसरा सेंटेंस आता है, कन्नौज, यहां कोमा लगा देंगे। यहां तीन नाम आए हुए हैं, तीन सिटी के, कन्नौज अलाहाबाद और एंड वाराणसी, तीन हैं। तो पहले दो के बाद कोमा लगेगा। कन्नौज स्थान का नाम है, के कैपिटल, अलाहाबाद भी स्थान का नाम है, कैपिटल बनाया गया है अलाहाबाद। एंड वाराणसी, आर सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक। ये सिंपल सेंटेंस था, डायरेक्ट स्पीच का नहीं था। नंबर टू, स्लो आई सेड द टॉर्टोइज बट आई कैन विन द रेस। तो देखिए, ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। यहां जो रिपोर्ट स्पीच है उसके दो भाग कर दिए गए हैं, आई मे बी स्लो, ठीक है। सेड द टॉर्टोइज, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, बीच में आई हुई है। बट, ये बट से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा यहाँ आना चाहिए था, लेकिन बीच में रिपोर्टिंग स्पीच को रख दिया गया, वही और इसको पंक्चुएट करना होगा। यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमास बिगिन करेंगे, आई को कैपिटल बनाएंगे, आई मे बी स्लो, कॉमा लगाएंगे, इनवर्टेड कॉमास क्लोज, सेड द टॉर्टोइज, फिर यहां कॉमा लगा देंगे, फिर यहां पर इनवर्टेड कॉमास बिगिन करेंगे और बट का हम ये जो है भी छोटा बनाएंगे। बट, अब बट के बाद ये आई आ रहा है, स्मॉल है, लेकिन आई कैप सब्जेक्ट के रूप में जहां भी आता कैपिटल ही आता है। बट आई कैन विन द रेस, यहां फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, और इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। आई सेड टू हेमंत यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। I said to, said के बाद to आ रहा है, उसके safe form के बाद में to आता है, तो उसके बाद शब्द आ रहा होता है वो भी उसी का भाग होता है, उसके साथ साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच पहले दे रखी है, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच पहले दे रखी है और रिपोर्टेड बाद में, बिल्कुल सीधा रखा हुआ है। तो I कैपिटल बनाएंगे, I said to,
ये नाम है तो इसका एच कैपिटल बनेगा। यहां कॉमा लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन यू कैपिटल बनेगा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहला शब्द आ रहा है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल बनेगा। यू विल नॉट फेल, ये इफ है, कंजक्शन है, बीच में आ रहा है तो स्मॉल ही बनेगा। इफ यू वर्क हार्ड, फुल स्टॉप लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, क्योंकि ऐसा आ रहा है। ही सेड टू हिज फ्रेंड रवि, आई कैन नॉट राइट फ्रेंच। ही सेड टू, सेड के बाद टू आ रहा है तो इतना भाग भी इसका ही है, लेकिन हिज फ्रेंड अपने मित्र रवि से कहा, तो ये भी रिपोर्टिंग स्पीच में ही आएगा, तो ये हो जाएगा। और सीधा लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू हिज फ्रेंड रवि कैपिटल है, यहां पर कॉमा लगाए पहले, और ये आर कैपिटल करके लिखेंगे, रवि कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टर कॉमा बिगिन, आई कैपिटल बनेगा, सब्जेक्ट के रूप में है, आई कैन नॉट राइट। ये फ्रेंच भाषा का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो कैपिटल एफ बनेगा। कोई सी भी भाषा होती है वो कैपिटल से लिखी जाती है, यहाँ फुल स्टॉप आएगा, शुरू में सब्जेक्ट आ रहा है तो असर्टिव है, इन्वर्टेड कॉमा किलो। रमन सेड टू मी, मे आई नो योर नेम, भोला आई सेड। तो देखिए यहाँ पर दो डायरेक्ट स्पीच हैं, रमन सेड टू मी ये रिपोर्टिंग होगी, मे आई नो योर नेम ये इसकी रिपोर्टेड हुई, भोला अब ये रमन ने मी से पूछा है तो फिर आई उसका आंसर दे रहा है तो उसने बताया भोला। तो यहाँ दो स्पीच है, किस तरह से हम करते हैं इसको, जैसे रखा हुआ वैसे ही इसको पंक्चुएट करेंगे। रमन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, टू के बाद जो आ रहा है ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ही लिखा जाता है, मे शुरू में आ रहा है तो ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है फर्स्ट टाइप, मे एम कैपिटल बनेगा, आई सब्जेक्ट के रूप में है कैपिटल बनेगा, मे आई नो योर नेम, यह क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहीं पर पूरा हो गया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अब ये स्पीच उल्टी लिखी हुई है, यानी कि मी आंसर दे रहा है आई बन करके, तो ये होगा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, भोला नाम है कैपिटल बनेगा बी, भोला यहाँ कॉमा लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, आई स्मॉल है यहाँ पर कैपिटल बनेगा, आई सेड फुल स्टॉप। इतना करेंगे तो हमें टू मार्क्स मिलेंगे। ये पेपर सेट चल रहे हैं, ये 2015 का है, ये 2016 का है। इज दिस योर फाइनल डिसीजन, सेड अमित टू हिज फादर, यस आई कैन नॉट मेक एनी अल्टरनेशन, सेड हिज फादर। यहाँ पर भी दो व्यक्ति की स्पीच है, इज दिस योर फाइनल डिसीजन, सेड अमित टू हिज फादर, यहाँ तक है, फिर यानी कि यहाँ पर अमित ने अपने पिता से पूछा तो फिर उसका आंसर दे रहे हैं, यस आई कैन नॉट मेक एनी अल्टरनेशन, सैड हिज फादर, ये उसके पिता की स्पीच है। तो जैसी रखी हुई इसको वैसे ही पंक्चुएट करेंगे, शुरू में रिपोर्टेड स्पीच आ रही है, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करेंगे, इज दिस, ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, आई कैपिटल बनाएंगे, इज दिस योर फाइनल डिसीजन, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये शुरू में इज आ रहा है, फर्स्ट स्टेप इंट्रोगेटिव है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सेड अमित,
अमित नाम है तो कैपिटल ए बनेगा, सेड अमित टू हिज फादर, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। अभी उसके फादर की स्पेस शुरू होती है तो यहाँ पर इन्वर्टर कॉमा बिगिन, यस यहाँ कॉमा लगा देंगे। अभी सब्जेक्ट है तो ये कैपिटल बनेगा, आई कैन नॉट मेक एनी अल्टरनेशन, कॉमा लगाएंगे, सेड हिज फादर फुल स्टॉप, इतना हमें इसको पंक्चुएट करना है। ये 2017 का है। व्हाट इज योर नेम आस्क्ड माई सीनियर, आई रिप्लाइड माई नेम इज सौरभ। तो यहाँ पर भी दो स्पीच हैं, ये पहले रिपोर्टेड लिखी हुई है, बाद में रिपोर्टिंग है, और यहाँ पर पहले रिपोर्टेड आ रही है, बाद में वो रिपोर्टिंग है यहाँ से यहाँ तक, और ये बाद में रिपोर्टेड है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो जैसी रखी हुई वैसे ही हम इसको पंक्चुएट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन करेंगे। व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल बना दिया हमने, व्हाट इज योर नेम, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, आस्क्ड माय सीनियर फुल स्टॉप लगा, और फुल स्टॉप लगाएंगे यहाँ पर। अभी दूसरी स्पीच शुरू होती है और ये आई रिप्लाइड है तो आई कैपिटल बनेगा, आई रिप्लाइड, ये पहली स्पीच उल्टी लिखी हुई है, दूसरी सीधी है, आई रिप्लाइड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, माई का एम कैपिटल बनाएंगे, माई नेम इज सौरभ नाम है तो कैपिटल से लिखा जाएगा, प्रॉपर नाउन कैपिटल से लिखा जाता है, फुल स्टॉप लगेगा, ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है। 2018 पर, सी सेड टू हर मदर विल यू गिव मी 1000 रुपीज, आई विश टू परचेज सम बुक्स। ये यहाँ पर रिपोर्टिंग पहले है, रिपोर्ट बाद में है, और सी की ही बातें हैं दो वाक्यों में, ठीक है, दोनों असर्टिव हैं। तो किस प्रकार से बनाएंगे, शुरू करते हैं, कैपिटल एस बनेगा, सी सेड, इसके बाद टू भी आ रहा है तो टू हर मदर यहीं पर आएगा, यहां पर कॉमा इन्वर्टर कॉमा बिगिन, विल आ रहा है, डब्ल्यू कैपिटल बनेगा, विल यू गिव मी 1000, यह क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर है आई विश, आई कैपिटल बनेगा, आई विश टू परचेज सम बुक्स, फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इस प्रकार से हम इसको पंक्चुएट करेंगे जिसके हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। यदि आपको ये पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी प्रकार से पेपर जो क्वेश्चन पेपर से संबंधित है, बोर्ड में पूछे गए प्रश्न है ग्रामर के, आपको इसी प्रकार से नई नई वीडियो में मिलते रहेंगे। धन्यवाद।